नमस्कार, आप देख रहे हैं नवारे टाइम्स। आपके साथ मैं मन कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लवली आनंद है। लवली जी, बेटी की विवाह हुई, संपन्न हो गई, अच्छे तरीके से हुई। आनंद मोहन बाहर थे, आज जा रहे। कितना दुखद है, पहले बेटी की विदाई हुआ और आज फिर उन्हें जेल जाना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देंगे, ऊपर वाले की भी कृपा बनी रही। ऊपर वाले के प्रति भी, भगवान के प्रति भी मैं बिल्कुल एकदम आभार व्यक्त कर रही हूँ। और ऊपर से आप लोग का, मीडिया वालों का भी काफ़ी रहा कोऑपरेशन, रहा हमारे शुभचिंतक समर्थक का भी काफ़ी रहा। सभी लोगों को हमारे माध्यम से धन्यवाद हम दे रहे हैं, आपके माध्यम से। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी हम देंगे, आभार व्यक्त करेंगे कि उनके कारण जो पेरोल हुआ, इस वजह से आनंद मोहन जी घर आए और बेटी की शादी में शामिल हुए और एक खुशहाली के साथ सब लोग ने इंजॉय किया, एक एक विधि विधान को, और सभी लोग ने इंजॉय किया। अगर आनंद मोहन जी नहीं आते जेल से बाहर तो इतने अच्छे ढंग से संपन्न नहीं होता, तो इसलिए ऊपर वाले की बिल्कुल। आपके लिए बेटी का विवाह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो जेल में थे, उस क्षण में आपको कितनी कमी खली उनकी, क्योंकि वो थे नहीं, सब कुछ आपको अकेले ही देखना पड़ रहा था। नहीं, यहाँ पर तो वो ये तो होता ही है कि एक पिता के रहने से बहुत सारी जिम्मेवारी बड़े हो जाता है, लेकिन चेतन आनंद बहुत सारी जिम्मेवारी को अपने ऊपर ले लिए। जो बेटा हमारा MLA है, वो अपने ऊपर ये जिम्मेवारी को लेकर के कोई कसर न रह जाए। और उसके बाद आपको आनंद मोहन जी भी निकल गए 5 को 10 दिन उनको था टाइम, तो उसमें उन्होंने दिया। और सभी लोग ने, जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, अपने आप स्वतः इसमें कॉपरेट किए। कहीं से कोई चावल ला रहा है, कहीं से कोई चिकन ला रहा है, कहीं से कोई मछली ला रहा है, ये तो हमें तो बिल्कुल दंग रह गई। उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, इस तरह से लोगों ने कॉपरेट किया, मेरी बेटी को बेटी और बहन के तरह देख करके इस शादी को संपन्न कराया। आज आनंद मोहन जी वापस जा रहे हैं जेल, उम्मीद है कि वो बेटे के विवाह में आ जाएंगे। जा रहे हैं बिल्कुल उम्मीद है और प्रक्रिया में है ही, निश्चित रूप से हमको लगता है कि जल्दी ही वो बाहर रहेंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री जी भी ने जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया आगे बढ़ा है, तो उसमें आनंद मोहन जी बाहर आएंगे। अब कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये हमें पता नहीं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि निश्चित रूप से आनंद मोहन जी जल्दी ही बाहर आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में, महाराणा प्रताप की जब जयंती समारोह मनाई जा रही थी, उस समय ये नारे लगे कि आनंद मोहन को रिहा करो। मुख्यमंत्री ने बड़ी सभा से सभी मीडिया के सामने ये कहा कि लवली आनंद से मेरी बातचीत हो गई है और जल्द वो बाहर आएंगे। शादी संपन्न हो गया, सजा भी पूर्ण हो गई, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आ रहे आनंद मोहन। ये है कि इसको लेके हम मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से चिंतित हैं और प्रक्रिया आगे बढ़ा है हम लोग के सामने में। हमने जो देखा प्रक्रिया जो है उसमें, वो आगे बढ़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप जल्दी ही आप लोग को ये खुशखबरी हम देंगे। मुख्यमंत्री से इस बारे में क्या कुछ बातें हुई थी आपकी? आपको हम कहे कि हमने मिल करके किया तो प्रक्रिया आगे बढ़ा है। जो प्रक्रिया है निकलने का, रिहाई का प्रक्रिया, उसमें मुख्यमंत्री जी के करने से आगे बढ़ा है मामला और जल्दी ही आनंद मोहन जी बाहर रहेंगे, इतना हमें भरोसा है, विश्वास है। अच्छा, एक अंतिम सवाल लूँगा। बेटी की विवाह हो गई, अब बेटे की बारी है। 24 तारीख को सगाई का डेट रखा गया है, तो किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं शादी को लेकर? देखिए, तैयारियां बेटे को, बेटे निकल गए हैं दिल्ली के लिए, शॉपिंग के लिए हम लोग निकाले हैं। और हम लोग अब पूरा समय जो है, अभी टाइम है, और पूरा उसमें जो भी है उसको करेंगे, वो भी अच्छा ढंग से संपन्न होगा। हम लोग चाहते हैं कि खुशहाल रहे दाम्पत्य जीवन, बेटा का, बहू का। और ये मेरे पसंद की शादी है, बहू हमने पसंद किया है, उसको मेरा बेटा ने स्वीकार किया, दामाद आनंद मोहन जी पसंद किए, बेटी ने स्वीकार किया, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, गर्व की बात है। और आप लोग भी कामना करिए कि दोनों का जीवन सुखद रहे, अच्छा रहे। कई लोग, आनंद मोहन जी ने कहा कि कई लोग ऐसे जो छूट गए शादी में, तो इस बार जब बेटे की विवाह होगा तो क्या पूरे धूम से और सबको को निमंत्रण रहेगा जैसे बेटी को? बिल्कुल, हम लोग चाहेंगे कि कोई छूटे नहीं, कोई हमारे शुभचिंतक जो गलती से छूट गए हों, उन लोग को भी हम लोग चाहेंगे कि बुलाएं, न्योता दें, निमंत्रण दें, और सभी लोग आकर के आशीर्वचन दें वर वधू को, बेटा को, बहू को, और अच्छा से संपन्न हो शादी। एक अंतिम सवाल लूँगा, क्या लगता है कि आनंद मोहन इस बार पूरी तरीके से रिहा होकर आएंगे? हम तो उम्मीद ही कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं
प्रक्रिया भी आगे बढ़ा है, इससे ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं है। भरोसा और विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। लवली आनंदी जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए, वहीं शादी को लेकर इन्होंने कहा है कि प्रक्रिया आगे है और अब देखने वाली बात है कि जब चेतन आनंद की विवाह होगी तो क्या आनंद मोहन पूर्ण रूप से रिहा होकर बाहर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहेगा नवारा टाइम्स के लिए। पटना से अमन कुमार।